इसको एंड इसको देखो। रे मक्कू, बदमाश बाबू, रख दे मक्षित। नो से नो नो द हैंड द हैंड मक्कू, शो मी योर हैंड। चल मक्कू हैंड, शो मी योर हैंड मक्कू। हैंड का ही उसको सब आता है, बट फिलहाल अभी उसका ना मूड नहीं है। उसको हैंड बोलना आता है, फिंगर्स नहीं आता है, टंग बोलना आता है, आईज नोज माउथ हेड हेयर वो सब कुछ आता है। ये देखो बस बारिश ही है यहाँ पे, सिर्फ बारिश बारिश। ऐसा मौसम है कुछ करने का मन नहीं करता है। सर्दी हो गया था मुझे, मेरा इतना सॉलन हो गया ना, फेस भी बोलो मत। चलो ऐसा मौसम हुआ है ना, एंड ये वीडियो चेन्नई, जब चेन्नई में जो फ्लड आया था उससे एक दो दिन पहले का है, ज़्यादा नहीं। मतलब बारिश सुबह से स्टार्ट हो गया था, बस मैं चाय पी थी, बच्चों ने बस दूध पिया था, हम लोग बस ऊपर वाले घर में बैठे हुए थे, बारिश इंजॉय कर रहे थे। उस वक्त तो बारिश इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो चेन्नई का हालत हुआ है आप सबको पता ही होगा, न्यूज़ में देखा होगा कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था सिचुएशन। एंड ये सेम सिचुएशन 2015 में हुआ था, एंड इस बार हमारे घर के अंदर तो पानी नहीं आया था, क्योंकि ये जो एरिया में हम लोग हैं ना वहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर की मतलब पानी ये सब ना आ तो गया था, लेकिन घर के अंदर आना ये सब की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन 2015 में सेम इसी तरीके से बारिश हुआ था, एंड उस वक्त में हम लोग रेंटेड हाउस में रहते थे, पूरा घर पानी पानी हो गया था, 3 से 4 दिन पानी घर के अंदर था। एंड इस बार का सिचुएशन जब भी न्यूज़ में फ़ोटोज़ वगैरह देखती थी ना, तो पूरा उसी टाइम की ही याद आ रही थी मुझे। बहुत सारे कुछ कुछ वीडियोस क्लिप्स वगैरह भी थे, बट वो भी शुरुआत के दिनों की, उस टाइम के। उसके बाद जैसे पानी आना शुरू हुआ था, बहुत मुश्किल हो गया था सिचुएशन। मतलब घर से 4-5 दिन के लिए पड़ोस वाले के घर पे, किसी दोस्त के घर पे जाके हमको रुकना पड़ा था। ऐसी हालत ख़राब थी, खाने का सामान सब कुछ ख़राब हो गया था। बट होपफुली इस बार सब लोग सही हो। बट है बहुत सारे हमारे फ्रेंड, इस बार भी उनके घरों में पानी भी चला गया है। बट क्या करें, हर साल करना चेन्नई में ये नवंबर दिसंबर में एक बार होता ही है, कभी कम हो जाता है फ्लड बारिश के चलते, एंड कभी कभी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चाय तो पिया था, ब्रेकफास्ट भी बना रही थी साथ ही साथ। एंड ये देखो मोक्ष एंड माइका, पता नहीं मेरे हेल्प तो कर ही रहे थे साथ साथ, मोक्ष माइका हेल्प कर रही थी, मोक्ष वो सबको बिगाड़ने में लगा हुआ था पीछे पीछे। एंड नाश्ता करने के बाद ना ऊपर वाले घर पे आ गई थी मैं। आज ये वाला ऊपर वाला घर भी पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने झाड़ू लगाया हुआ था। एक बार जब ऊपर वाले घर को मैं अच्छे से झाड़ू लगा के पोछा लगाती हूँ ना, तो पूरा ऊपर मतलब जो स्टेयर्स है ना वहाँ से लेके छत वाले स्टेयर से लेके पूरा नीचे तक लाना पड़ता है, अदरवाइज वही डस्ट पैरों में चल के पूरा घर फिर से आ जाता है। तो ऊपर वाला घर तो पोछा वगैरह सब कुछ लगा दिया, अभी नीचे वाला घर लगाऊंगी जाके। एंड ये देखो अभी मैंने बेडशीट चेंज करके सब कुछ करके गई थी, एंड यहाँ पे बच्चे आके थोड़े बहुत टॉयज रख ही देते हैं, कितना भी कर लो। तो दोनों घर ऊपर नीचे दोनों घर की हो गए अच्छे से क्लीनिंग। एंड यहाँ पे मैं कुछ कुछ प्रिपरेशन ना मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही मैंने कर लिया था, तो यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ पालक पनीर। तो वो भी बहुत बेसिक स्टाइल में बनाऊंगी। पालक मैंने जो काम कर रही थी उसी टाइम मैंने बॉईल कर लिया था, एंड थोड़ा सा अदरक हरी मिर्च डाल के मैंने उसको पेस्ट भी बना लिया था। तो ऐसे क्या होता है ना, साइड बाय साइड दोनों काम हो तो ज़्यादा टाइम कुकिंग के लिए भी नहीं लगता है, क्योंकि घर जब क्लीन करते हो तो पता नहीं चलता टाइम का। तो बस प्याज टमाटर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, जो सूखे मसाले होते हैं ड्राई मसाला पाउडर वो सब कुछ ऐड करा था, एंड उसके बाद जो पालक को मैंने ग्राइंड करा था ना उसको मैंने ऐड करा, फिर पनीर ऐड कर लिया था। थोड़ा सा दालचीनी का बस मैंने यहाँ पे पाउडर ऐड करा, बस थोड़ा सा, एंड वहाँ पे पनीर भी रेडी था। एंड मोक्ष को तब तक मैं नहला के लेकर आ गई थी। कितना बारिश हो रहा है देखो, सुबह से बारिश है, सुबह से मतलब यहाँ पे तो लास्ट 15 दिन से बारिश हो रहा है। मॉस्किटो आ जाएंगे, मच्छर सारे, बाप रे। अब भी जस्ट स्टार्ट हुआ है, सुबह से इतना बादल बादल सा था। इसको दिखाती हूँ देखो। रे नो 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 डोंट रेस्ट, गिव। डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा दे दो। हाय हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग मकू। आजा आजा, हाय
उसको सुलाने का कोशिश तो मैंने करा बट नहीं हुआ, उसको सुलाने का ट्राई करा बट वो सोया ही नहीं। तो उसके बाद मैं लंच को ही कंटिन्यू, जितना थोड़ा थोड़ा है ना, आज के ये ब्लॉग में अब तक मैंने तीसरी बार ये ड्रेस चेंज करा था। तीनों बार में ना किसी, पहले जो मैंने पहना हुआ था सुबह, एक में उसने पानी गिरा दिया पीते, उसको पानी पिलाते टाइम, दूसरी बार उसको नहला रही थी ना उससे पहले वही सेम था कि मैं वॉशरूम में उसको लेकर गई, पूरा उसने गीला गीला कर दिया था। फिर उसने ये मैंने चेंज करा, हर बार का ऐसे ही होता है, जब भी मैं उसको पानी पिलाती हूँ ना वो मेरे ऊपर वो पानी का ग्लास कैसे करके थोड़ा सा तो गिरा ही देता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बॉटल होता है तो पूरा ही हो जाता है। उसकी बहुत मस्ती बढ़ गई है। जब बोलते ना कि घर में अगर आपके एक टॉडलर है तो आपका टाइम कब कहाँ कैसे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं बोल रही थी ना, ये देखो ऐसे ही हो रहा है ना, ये किसके ऊपर खड़ा है आप देख रहे हो ना, ये देखो वो कबर्ड ओपन करके उसको निकाल के उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर खड़े होके उसको ये देखना है कि मम्मा काउंटर टॉप में क्या कर रही है। उसको था कि मुझे बिठा दो काउंटर टॉप में, बट आजकल, पहले तो वो बहुत शांति से बैठता था तो मैं उसको बिठा देती थी, अब भी ना वो ऐसे हो गया है कि मैं उसको काउंटर टॉप में, अगर गैस ऑन है या फिर ऐसा कुछ तो मैं कभी बिठाती नहीं, मुझे बहुत डर लगता है कि अचानक से हाथ वाथ ना लगा दे। तो उसके साथ लंच तो बना रही थी, साथ ही साथ मैं ब्रेकफास्ट का भी प्रिपरेशन कर रही थी कल के लिए। तो मैंने उड़द दाल 1 कप वहाँ पे भिगो के रखा है, उसमें 4 यहाँ पे चेन्नई में ना डोसा राइस करके यहाँ पे मिलता है, इडली राइस इडली राइस के करके मिलता है, इससे आप डोसा बना सकते हो, इडली अभी बनाते हैं यहाँ पे। नॉर्मली मैं रवा इडली बनाती हूँ, प्रेफर करती हूँ, बट ये बैटर से आप इडली भी यहाँ पे बना सकते हो। तो नॉर्मल राइस को भी आप लोग भिगो के ना कर सकते हो, बट ये नॉर्मल राइस से थोड़ा सा कम प्राइस में होता है और मोस्टली चेन्नई में इसी राइस को लोग यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा मेथी दे के डाल के 1 चम्मच मैंने उसको भिगो के रख दिया है, 3-4 घंटे के बाद मैं उसको ग्राइंड करूँगी एंड रात तक फ्रिज में रख दूँगी, तो सुबह रेडी हो जाएगा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। पूरा दिन मोक्ष के साथ हो आगे पीछे होकर ही चला गया था एंड आज तो मोक्ष ने अच्छे से अपना नैप भी नहीं लिया था। जिस दिन मोक्ष का नींद पूरा नहीं होता है ना अच्छे से, तो मेरा काम एक तो डिले हो जाता है या तो फिर आजकल होता ही नहीं है ऐसे ही। और आज एक चीज़ है कि पापा आने वाले हैं, मतलब मेरे पापा बहुत कम ही आते हैं, एंड आके रुकना वो तो मतलब छोड़ ही दो, हार्डली 1-2 दिन रुक जाएंगे ना तो वही बड़ी बात हो जाती है। उसका फिर से है कि मम्मा उठाओ मेरे को, गोदी करो, दिखाओ क्या कर रहे हो आप। तो मेरा बैटर रेडी है एंड मैं सोच रही थी शाम को करके ना रात 10-11 बजे तक बाहर रख दूँगी तो वो परफेक्टली हो जाएगा, तो फिर उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी तो सुबह बनाऊँगी। बट मैं ग्राइंड करते करते ही 8-9 बज गए थे पूरा, मतलब उसके बाद हुआ ही नहीं, सुबह के बाद कुछ करने ही नहीं दिया मोक्षित। तो उसको पूरी रात बाहर रख दूँगी तो सुबह तक अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। एंड तब तक यहाँ पे 9 बजा था, 9 बजे के अंदर अंदर पापा आ गए थे एंड पापा का प्लान भी ऑल ऑफ अ सडन बना था 1-2 दिन के अंदर ही, मतलब कुछ इमरजेंसी था काम तो पापा को आना पड़ा था। एंड यहाँ पे सबसे पहले ना पापा को बैग में मम्मी कुछ कुछ भेजी है, तो पापा बोलते हैं तू मेरा मेडिसिन का किट निकाल दे, नहीं तो फिर वो मुंह में डाल देते हैं ना बच्चे बच्चे, मतलब कि सबसे ज़्यादा मोक्ष ही ये सब कुछ करता है। तो वही मेडिसिन का उनका पाउच अलग कर दिया है। मम्मी का ना मुझे पता नहीं था वो इतना कुछ बना लेगी 2 दिन में, क्योंकि उस एक तो मम्मी का भी तबीयत बहुत ख़राब है अभी थोड़ा सा, उनको भी नीज में बहुत पेन है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। तो उतने में मुझे एक तो गुस्सा भी आ रहा था कि इतना क्यों बनाया मम्मी ने, फिर अच्छा भी लग रहा था यार बना के भी भेजा मम्मी ने ये सब कुछ। तो इसको मैं कंटेनर में रखूंगी, पहले इन दोनों को मैं सुला दूंगी, अभी तो खेल लेंगे पापा के साथ थोड़ा सा, तो जब ये दोनों सोएंगे ना उसके बाद ही मैं करूंगी। एंड ये सारा भी उन्होंने भेजा हुआ है, सारी कवर, ब्लाउज रखने का कवर, तो देखते क्या होता है। माही के लिए कुछ कुछ सामान था, मोक्ष के लिए मम्मी ना कुछ भेजने वाली थी ड्रेस, मैंने बोला कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अभी कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष का वैसे भी अभी नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे आ रहा है तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे माही का के लिए ना कुछ भेजी थी मम्मी एंड ये मेरे लिए साड़ी कवर, देखो मैंने बोला था 1-2 भेज दो तो इतने सारे बना के भेज दिया है। एंड ये आई थिंक माहिका को हमेशा यही चाहिए होता है, मेरे लिए पेंसिल भेज दो, मेरे लिए रबर बैंड भेज दो, मेरे लिए नेल पेंट भेज दो, उसका हमेशा यही होता है। एंड इतने नेल पेंट्स उसको जैसे ही मिले ना, उसने मेरे को वो बॉक्स में आई थिंक 5-7 नेल पेंट है वो सारा लेके रख दिया, उसने मुझे दिखाया तक नहीं है। एंड इसको देखो पता नहीं किस बात की खुशी हो रही है, बच्चों का ऐसे ही होता है ना, कुछ भी दे दो, एक टॉफ़ी भी ला के दे देते हैं तो भी खुशी हो जाती है। हम बड़े जब हो जाते हैं हमको थोड़ा सा होता है कि चलो
हम ज्यादा सोचने लगते हैं। मोक ना यहाँ पे देख रहा था कि उसके लिए क्या लाया है। पापा बोल रहे थे, देखा तूने क्यों मना करा, मैं लेकर आने वाला था उसके लिए कुछ ना कुछ, तू नहीं 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 कर रही थी, फिर अगर ले आता तो गुस्सा करती, इसी के लिए मैंने भी नहीं लाया। तो उसके बाद बच्चे सो गए हैं, अभी टाइम हो रहा है करीब 11, आई थिंक नहीं 10:30 ऐसा कुछ बज रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये काकरा पिठा बोलते हैं, नारियल का जो होता है ना, उसको थोड़ा सा चीनी वगैरह या फिर गुड़ डाल के सौते करते हैं, उसके बाद सूजी में डाल के बनाते हैं और बहुत टेस्टी, मेरा फेवरेट है। एंड ये है रागी का लड्डू, जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सूखा ये जो बोलते हैं गुड़हल है ना, गुड़हल का फूल, उसको सुखा के मम्मी हमेशा रख देती है, क्योंकि हमारे वहाँ पे छत पे होते हैं फूल अच्छे से, तो वो हमेशा रख देती है वो उस फूल को निकाल के, क्योंकि तेल में इसको ऐड करो ना तो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड यहाँ पे मुझे गुड़हल का फूल मिला बहुत मुश्किल होता है, जिनके घरों में मैं देखती हूँ, मैंने एक दो बार मांगा था पर उन्होंने दिया नहीं, मार्केट में यहाँ पे मिलते नहीं है बहुत आसानी से, वो यहाँ पे सिर्फ वो जो येलो कलर का फूल जो पूजा के लिए होता है ना, बस वही मिलते हैं। सारा सामान मैंने रख दिया है अभी, तो जब तेल बनाऊंगी ना आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सब लोग सो गए, पापा सो गए ऊपर, मोक्ष माइका दोनों सो गए, 10:30 बजे सोए। माइका सुपर एक्साइटेड थी बहुत ज्यादा, पापा का आने का प्लान दी दिन रही थी होने की, लास्ट 2 दिन में ही बनाता, ऐसा कुछ आने का था भी नहीं, अचानक से आए हैं पापा कुछ काम से। एंड उसके चलते ना मम्मी भी आती, लेकिन मम्मी का तबीयत ख़राब है, उनको थोड़ा सा नीस में प्रॉब्लम है, तो उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, तो इसी के लिए मम्मी नहीं आ पाई है। लेकिन मम्मी ने जितना सारा मैंने आपको सामान दिखाया ना, वो सब कुछ 2 दिन में उन्होंने बना के भेजा है, मुझे पता भी नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं मना करती कि मत बनाऊँ, उनको थोड़ा सा नीस में बहुत प्रॉब्लम है हो रही है अभी तो लेकिन खड़े होकर इतना सारा कुछ बनाया हुआ है ना उन्होंने, मैं खुद शॉक हो गई कि क्यों बनाया, पहले गुस्सा आ रहा था कि क्यों बनाया, फिर देख के टेस्टी टेस्टी खाना देख के थोड़ा सा अच्छा भी लगा। एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ, ये सबसे बढ़िया, ये नॉर्मली ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं, ये साड़ी कवर या तो फिर आप ड्रेसेस वगैरह रख सकते हो, कितने बढ़िया है ये चीज़ देखा है, एकदम पूरा मतलब बोलते ना पूरा फिनिशिंग इतना परफेक्ट है, ऐसा लग रहा है ख़रीदा हुआ है ये वाला, यहाँ पे इतना सुंदर से है। और ये साड़ी कितने साड़ी, आई थिंक आराम से 4 साड़ी आ जाएंगे, हाँ 4-5 साड़ी आ जाएंगे, देखो कल परसों का भी रखती हूँ। ये साड़ी कवर्स इतने मोटे मोटे, ये अच्छा है, खरीदो तो फट भी जाता है, 200 एक एक होता है, 250 के कम नहीं आता, 250 के बिलो जो भी होता है ना वो बहुत पतला होता है, फट जाते हैं बहुत जल्दी। मेरे पास सेवन आए थे, एक हॉल में आपको दिखाया था उसका ऐसा 3 बना के, अरे आई भी इतने भी कौन अच्छे, मुझे पहले लगा ये बैकपैक उन्होंने भेजा है माहिका के लिए, वहाँ के बैकपैक, मैं बोल रही हूँ मम्मी अब पीछे ना इसका बेल्ट लगाना बोल रही हूँ, तो मम्मी बोलती है ब्लाउज रखने के लिए बैकपैक नहीं है, बट कर सकते हो इसको ना बैकपैक बना सकते हो, देखो बढ़िया सा था है ये, ऐसा ये वाला पाउच भी बहुत अच्छा है। ये ना मैंने एक इंस्टाग्राम में दिखा था एक बार, आई थिंक 350 ऐसा कुछ था, एंड अमेजोन पे भी दिखा था 300 था, उससे बिलो नहीं था बहुत। हाँ स्टिकर का है कौन लग जाए, स्टिकर नहीं बेटा, स्टिकर नहीं कपड़ा था नहीं, इधर पूरा ये करती ना, तो ये वाला ओके, ये देखो चली गई वो, नेल पेंट रखे हैं भाई माही के लिए, तो इतने सारे नेल पॉलिश, इतने नेल पॉलिश, मोक्ष के लिए कुछ भी नहीं मोक्ष के लिए वो ड्रेस भेजने वाली थी, मैंने ही मना कर दिया कि नहीं, वो जाने वाली थी ड्रेस लाने, मैंने बोला नीचे अच्छा ये, अरे वाह देखो यार देखो कितना सुंदर है ना, बहुत लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, करीब 11:30 बज गए होंगे, सुबह फिर मेरे को उठना है, इस सैटरडे माइका का एनुअल फंक्शन है, तो बारिश इतना ज़ोर से हो रहा है ना उधर, अगर नॉर्मल होता तो मैं माइका का स्कूल भी एब्सेंट करवा लेती, लेकिन अभी कोई चांस ही नहीं है उसको स्कूल एब्सेंट करवाने का। देखो रैंप वॉक में उसने पार्टिसिपेट करा है, कैसे होता है क्या होता है क्या करती है, तो फिर चलो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे बंद रहे, यहीं पे है लेटे हुए सोफा पे, वो बात नहीं करते, आप लोग बोलते जीजू को क्यों नहीं दिखाते, जीजू दिखना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ बोलो तो फिर इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड इन सारे चीज़ों को यही डाइनिंग टेबल पर रख देंगे, कल सुबह करेंगे तो यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक और चीज़, ये वाला भी बैग इतना बड़ा सा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।